हेडलाइन पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। टी20 धर्मशाला में आज भिड़ेगी कोहली डीकॉक की सेनाएं। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, पहले ही मैच पर काले बादल का साया। टीम इंडिया से चाइनीज कंपनी की छुट्टी। दिनेश कार्तिक को मिली अहम जिम्मेदारी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। टी20 धर्मशाला में आज भिड़ेगी कोहली डीकॉक की सेनाएं। रविवार को शाम 7 बजे से शुरू होने वाले मैच को देखने के लिए युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इससे पहले धर्मशाला में दोनों टीमों के बीच 2 अक्टूबर 2015 को खेले गए टी20 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। धर्मशाला में लगातार बारिश हो रही है और आसमान में आज भी काले बादल मंडरा रहे हैं। टीम इंडिया से चाइनीज कंपनी की छुट्टी। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी से चाइनीज कंपनी ओप्पो की छुट्टी हो गई है। अब इस पर भारतीय कंपनी बायजू का नाम लिखा जाएगा। अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाड़ी नए स्पॉन्सर्स की जर्सी में उतरेंगे। दिनेश कार्तिक को मिली अहम जिम्मेदारी। खराब फॉर्म में चल रहे भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक 24 सितंबर से 16 अक्टूबर तक होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में तमिलनाडु टीम की कप्तानी करेंगे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।